वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 और रेलवे केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए एग्जाम 2024 ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड है। इससे पहले भी आप जो है दो क्लास जो है वीडियो आप देख सकते हैं, दोनों का आंसर की भी जारी कर दिया गया है। तो कैंडिडेट आप अपना क्वेश्चन को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम में इस बार आपके लिए महत्वपूर्ण है कि बहुत दिनों के बाद 5 साल के बाद वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जब तक तैयारी आपका नहीं रहेगा, अच्छा प्रिपरेशन नहीं रहेगा, सिलेक्शन नहीं होना है। तो तैयारी के लिए आप डेट का निर्धारण जब तक होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, उसका चिंता किए बगैर आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको फुल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो क्लास का आंसर की जारी हो चुका है। सभी कैंडिडेट्स मैं फिर से बोलूँगा कि आप वहाँ जाएँ, वीडियो देखें, पूरा नोट्स बनाएँ और अपना प्रिपरेशन करें। मैं चाहूँगा कि जो कैंडिडेट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही साथ बहुत से कैंडिडेट के द्वारा बोला जाता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप सीधे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपको डेली अपलोडेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप देखिए, नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्लास थर्ड है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वाट इज द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेंटिमिनेशन टैंक, पानी के औषधन टैंक के लिए रखने का समय क्या है। देखिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 1 to 2 आवर, 2 to 4 आवर, 4 to 8 आवर, 16 to 24 आवर। तो आपका राइट आंसर क्या है, चलिए राइट आंसर कमेंट कीजिए। आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर टू। Which of the following deficiency is the cause? ठीक है, which of the following deficiency is the cause factor of microcytic anemia? ठीक है, ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी आयरन। अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, HTST मेथड। ठीक है, शॉर्ट में इसको HTST बोलते हैं, HTST मेथड, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड इज यूज्ड फॉर, इसके लिए यूज किया जाता है। ए ऑप्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, बी ऑप्शन है स्टरलाइजेशन कॉटन एंड सर्जिकल गुड्स, सी ऑप्शन है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, डी ऑप्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर, वाट इज द डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन ए फॉर इंडियन एडल्ट। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फोर, वाट इज द डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन ए फॉर इंडियन एडल्ट। ए ऑप्शन है 350 mcg, बी ऑप्शन है 600 mcg, सी ऑप्शन है 800 mcg और डी ऑप्शन है 950 mcg। राइट आंसर क्या है कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर लिखकर कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर लिखकर कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट विल द बीएमआई जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेलवे हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर और केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट जो है उनको CBT फर्स्ट जिनको देना, उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो भी अपना तैयारी प्रिपरेशन करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट विल बी द BMI बॉडी मास इंडेक्स ऑफ मेल हुज वेट इज 89 kg एंड हाइट इज 172 cm। तो बॉडी मास इंडेक्स आपको निकालने आना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें है 27, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है 36। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कनेक्ट में बार बार बोलूंगा कि आप इसे देखें, अच्छे से देखें, समझें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल डाइट। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉर्मल डाइट। ए ऑप्शन है 350 mcg, बी ऑप्शन है 600 mcg, सी ऑप्शन है 800 mcg और डी ऑप्शन है 950 mcg। आपका राइट आंसर क्या है कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर है।
ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा चैनल पर जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलता रहे, और कम्युनिटी टैब लगातार विजिट करते रहिए, प्लेलिस्ट विजिट करते रहिए। बहुत सा वीडियो अपलोडेड है, बहुत सा वीडियो जो है रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपलोड किया गया है, आप उसे देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन है मोर एनर्जी गिविंग, बी ऑप्शन है कैंसर, सी ऑप्शन है लो बर्थ वेट, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 7 का कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक इज एन इंडिकेटर ऑफ सेवर्टी माल न्यूट्रिशन इच, मतलब गंभीर पोषण कुपोषण का एंथ्रोपोमेट्रिक संकेत है। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ए ऑप्शन है वेट फॉर एज, बी ऑप्शन है हाइट फॉर एज, सी ऑप्शन है वेट फॉर हाइट, डी ऑप्शन है स्किन फोल्ड थिकनेस। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा कन अपना जो क्वालिटी है उसको बढ़ाकर देखें इसे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, डायबिटीज मेलिटुअस इज एन इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ, मधुमेह मेलेटस, ठीक है, का एक महत्वपूर्ण विकार है। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म, बी ऑप्शन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सी ऑप्शन है मिनरल मेटाबॉलिज्म, डी ऑप्शन है फूड मेटाबॉलिज्म। राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, हाउ मच द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसे शॉर्ट में HB बोला जाता है, पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन ओमेन ईच। ए ऑप्शन है 14 ग्राम, बी ऑप्शन है 18 ग्राम, सी ऑप्शन है 20 ग्राम, और डी ऑप्शन है 10 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर शुड बी कमेंट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टॉक विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव फूड स्टॉक विल रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज। ए ऑप्शन है विटामिन कंटेंट, बी ऑप्शन है मिनरल कंटेंट, सी ऑप्शन है प्रोटीन कंटेंट, और डी ऑप्शन है फाइबर कंटेंट। राइट आंसर शुड बी कमेंट प्लीज। राइट आंसर शुड बी क्या होना चाहिए, राइट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है कैंडिडेट। टोटल हम लोग ने 11 क्वेश्चन देखा चार ऑप्शन के साथ। तो आप जो है अपना आंसर कमेंट करें, और इसका आंसर की जो है आपको 24 आवर्स के बाद कम्युनिटी टैब पर देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।